अस्सलाम वालेकुम। तो आज है फ्राइडे और ये सुबह का वीडियो है। तो सुबह आज मैं मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ अंडे निकाल रही हूँ बॉईल करने के लिए। और मैं सुबह में बनाई थी चना आलू, वो ब्लैक वाली चना। तो अंडे हो गए बॉईल और निजार को लंच बॉक्स में अंडा देना था आज, क्योंकि आज वो फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे से जल्दी आ जाता है। तो बस आज उसको न्यूट्रेला ब्रेड बहुत पसंद है, तो आज बस सिंपल सा मैं दिए। चिकन तो नहीं दिया, चलो चिकन की जगह मैंने उसको एक दिया। ये हो गए निजार के लंच बॉक्स रेडी। बस अब चले तैयारी करते हैं लंच की। तो फ्राइडे के दिन है, सारा काम वाम करने के बाद प्लान हुआ कि चलो आज चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो कौन सी बिरयानी? तो मैं सोची कि कुछ अलग बनाते हैं, तो चिकन 65 बिरयानी में बनाने के लिए सोची। तब उसकी तैयारी, तो चावल को वॉश करके पहले बस भिगोने के लिए रख दिया था। तो हमेशा एक ही तरह का रेसिपी बनाना भी तो अच्छा, कुछ अलग अलग होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा अलग ही अलग बनाती हूँ। मतलब अगर चिकन के साथ बना रही हूँ तो हैदराबादी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, बहुत तरह का बिरयानी होता है, ये तो सबको पता है। और बस सब थोड़ा थोड़ा तो अलग ही है, बाकी सब तो सिमिलर ही है, थोड़ा सा टेस्ट का भी डिफरेंट पड़ता है। तो आज मैं सोची कि कुछ अलग बना के देखती हूँ। तो खैर बनी तो अच्छी थी। तो बस आज मेरा मन नहीं था कि मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई थी। पर मैं बनाई थी चना आलू का सब्जी, तो बहुत अच्छी बनी थी, ये बात है। वो ब्लैक वाली चना, चना आलू और रोटी सुबह में। और तो खैर आज मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून, मतलब आज लंच शेयर हो रहा है कि नहीं। मुझे हो गया कफ, तो मैं जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। बस भाई बोलते बोलते में भी मुझे खांसी होने लगती है। खैर अब दुख और सुख तो लगा है, कभी इंसान अच्छा होता है कभी बीमार होता है, बस ये तो पूरा लाइफ। और जब भी मौसम चेंज होता है तो ये होती है, अभी ना मौसम ठंडे आने वाली है, बस बस वही बात है, उसी का इफेक्ट होता है और कुछ नहीं है, यही सब सबके साथ लगा हुआ है। तो पहले मैं चिकन 65 बनाने के लिए चिकन फ्राई करेंगे। और चिकन फ्राई करने के बाद मन करता ना इसको और कुछ ना बनाओ, बस फ्राई हो गया और केचप के साथ खाना शुरू कर दे, है कि नहीं? ऐसा लगता है मेरे बच्चों को, तो ऐसा लगा मैं फ्राई करके दी, निशाज खाया, निशाज बोला वाओ बहुत अच्छा लग रहा। और गए, मैं बोली जब तुम इसको ही खा लोगे बिरयानी किस चीज का बनेगा। मैंने उसको 2-3 पीस दिया बस। और हम लोग भी तीनों, हस्बैंड तो घर पे थे नहीं, बस हम तीनों ही थे। फ्राई करने के बाद पहले हम लोग फ्राई वाला खाए, उसके बाद बिरयानी बनाई। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कभी सुबह का रूटीन कभी शाम का रूटीन, तो बस जैसे टाइम मिलता है वैसे बना लेती हूँ। मेरा कोई प्रॉपर नहीं है कि हाँ, मतलब कि मैं घर में हूँ तो मैं घर का शेयर करती हूँ। अगर मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए तो मैं शॉपिंग का भी वीडियो आपसे शेयर करती हूँ। या फिर घूमने के लिए जाती हूँ यहाँ, तो यहाँ का जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, तो संडे के दिन, मतलब हॉलीडे के दिन, तो मतलब 95% लोग, 90% लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो अकेले होते हैं ना। बाहर अगर नहीं जाएंगे हफ्ते में भी एक बार ना, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, तो बाहर जाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस तो फिर बाहर भी हम लोग जाते हैं, तो मैं जाती हूँ जहां मैं, तो वहां का भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। एक होता है ट्रेवल वीडियो, तो या फिर स्पेशल घर का वीडियो। तो मैं अपना वीडियो ब्लॉग जो बना रही हूँ, तो मेरा इस तरह का है कि मैं घर पर हूँ तो मैं घर का रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं वो अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं आपको मार्केट भी दिखाती हूँ कि हाँ दुबई कैसा है, यहाँ का मार्केट कैसा है, यहाँ का मतलब कि जो टूरिस्ट प्लेस पूरा वर्ल्ड में फेमस है यहाँ का। तो जाहिर सी बात है कि इतना तो बनता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ का टूरिस्ट प्लेस और यहाँ इतना खूबसूरत सब है। मतलब यहाँ जैसे कि ये तो पता है बुर्ज खलीफा, तो उस तरह से फ्यूचर म्यूजियम, बहुत कुछ है। हाँ तो मैं इस केचप के बारे में बता रही थी, टमाटर तो अच्छी मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं टमाटो पेस्ट यूज कर लेती हूँ, तो ये भी अच्छी होती है। बट तो इसलिए मैं ना ये लेकर आ गई, पर बुरा हुआ तुझे क्यों? क्योंकि मैं ना ये दूसरी कंपनी का ली थी, मैं बोली कि चलो नया ट्राई करती हूँ, पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं था, मतलब मुझे नहीं पसंद आया इसका टेस्ट। और इससे पहले मैं ना एक सफा है उसका यूज करती हूँ, और शायद एक अलैन है, अल अलैन, तो ये दोनों मुझे पसंद आया है, ये दोनों मुझे अच्छा लगा था। मैं सोची भी नहीं थी कि इतना खराब होगा, मतलब खराब क्या, मुझे नहीं पसंद आया। तो वो जो खट्टापन जो होता है, बस वही वाली बात हो गई, टमाटर खराब मिल रही है तो मैं ये सोची ले लूंगी, तो ये भी ली तो वो खट्टा वाला टेस्ट टमाटर वाली नहीं आई इसमें, तो वो बात हो गई। तो बस वही मैं कह रही थी कि तो बस वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
मेरा वीडियो जितना भी अपलोड किया है ना, तो बहुत जगह घूमने का भी है, तो मैं जाती हूँ वहां का है, कभी शॉपिंग का है, इस तरह से है। तो बस वही बात है कि जब घर का भी ब्लॉग है, बस फैमिली ब्लॉग है, खाना बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अभी तो मैंने घर का तो अभी आप लोग को नई वीडियो बना करके अपलोड की, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे का दो टाइम स्कूल है, एक आफ्टरनून है, एक मॉर्निंग है। इसके वजह से बहुत मेरा मतलब कि काम काम का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है टाइम का, बस इसीलिए। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से कोर्सेज करूंगी। मैं सोच रही हूँ निशास का स्कूल चेंज करने के लिए, जो मॉर्निंग हो, कि दोनों एक बार स्कूल जाए और एक बार आए, एक जाता है एक आता है, और फिर एक के लिए तैयारी करो फिर दूसरे के लिए तैयारी करो। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं 2 साल से इसको झेल ही रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं पूरा कर सकती, पर इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों को ना मैं वीडियो, यहाँ का मार्केट, जैसे कि बहुत लोग दुबई का मतलब कि अबाया देखना चाहते हैं, तो मैंने अबाया का भी वीडियो अपलोड किया है। मैं जब भी लाने जाती हूँ जाप हो या अबाया, या फिर शॉपिंग करने जाती हूँ यहाँ का मार्केट मॉल ये सब, तो मैं जरूर जरूर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग ये ना सोचे कोई भी मेरा वीडियो जो देख रहे हैं अभी, या फिर पहले का कोई देखे हैं, कि हाँ ये तो कुछ का वीडियो, कभी कुछ का वीडियो, तो नहीं। मेरा बस यही है कि बस जैसा मेरा शेड्यूल चल रहा है, कि अगर मैं तो घर पर हूँ, खाना वाना बना के मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो ठीक है शॉपिंग का भी, अगर मैं घूमने जा रही हूँ तो वो भी, और जगह घूमने गई तो फिर वो उस जगह को मैं अच्छे तरीके से आप लोग को विजिट कराती हूँ, दिखाती हूँ कि हाँ ये किस तरह का प्लेस है, यहाँ क्या है नहीं है, और कुछ भी नहीं। अब मेरा तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे लिए सही हो। अब आप लोग क्या कर, आप लोगों को क्या लगता है? तो मैं 2 कलर पता है क्यों डाले, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ग्रीन भी डालने का मन था, फिर मैं सोची कि चले ग्रीन तो इसमें हरा हरा धनिया पत्ता तो काम कर ही रहा है, तो फिर क्या जरूरत है ग्रीन डालने का, इसलिए 2 कलर से भी ज्यादा तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, इसे चिकन 65 बिरयानी में बनाई हूँ, तो टेस्ट तो बहुत अच्छी बनी थी, बस उसमें टमाटर की जो टेस्ट, जो खट्टा आना चाहिए था वो नहीं लगा, और बाकी 100% परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बिरयानी की रेसिपी में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, अगर ये रेसिपी पसंद है, तो आप मेरे चैनल नूरेश किचन पर भी जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं वहां पूरा रेसिपी मेंशन कर दूंगी कि तो क्या मैंने इसमें ऐड किया नहीं किया है। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो और ये बिरयानी? अभी बिरयानी को मैं ना फोटो शूट करना है, क्योंकि इसे थंबनेल के लिए भी यूज करना पड़ता है, और फिर फोटो मतलब शॉर्ट्स बनाना है उसके लिए। तो बिरयानी को ना जब भी मतलब कि अगर रेडी हो जाता है ना, तो इसे ना मिक्स कर लिया करें, मैं तो यही करती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और इसको मिलाकर, क्योंकि फिर ऊपर का ड्राई राइस यूज हो जाता है, फिर नीचे ना मसाला और ऑयल वाला सिर्फ बच जाता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोग भी उम्मीद है ऐसे ही करते होंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।